हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो बेटा? आशा करती हूँ सभी आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए बेटा, आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पार्ट दो, जिसका नाम है लव की चूड़ियाँ, उसकी आपको शॉर्ट में स्टोरी बता रही हूँ। और उसके लेखक जो है कौन है? कंकना। इस चैप्टर का जैसा कि नाम दिख रहा है आपको लव की चूड़ियाँ, तो ये लाख की चूड़ियों के बारे में ही ये चैप्टर है। इसमें एक बदलू नाम का एक मनिहार होता है, वो अपने पैतृक व्यवसाय को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है। मतलब उनके जो दादा परदादा या उसके पापा वगैरह जो भी थे, वो सभी लाख की चूड़ी बनाने का काम करते थे। तो बदलू भी वही काम करता था, तो बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। इस पार्ट के जो लेखक है, वो जो बदलू पापा है, वो लेखक के मामा का गाँव है। जहाँ पर बदलू काका रहते थे, वो लेखक का मामा का गांव है। तो जो लेखक है, वो बचपन में अपने मामा के गांव जाते थे, तो वहाँ पर वो देखते थे बदलू काका को चूड़ी बनाते हुए देखते थे। तो वो हर अपनी गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने मामा के घर जाते थे, और वो हमेशा एक्साइटेड रहते थे, उत्सुक रहते थे वहाँ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो बदलू काका थे, वो जब लाख की चूड़ियाँ बनाते थे और जो थोड़ा सा लाख जो बच जाता था, उससे छोटी सी गोली बनाकर उनको दे देते थे। तो हर कलर के उनके पास, हर रंग के उनके पास लाख होते थे, तो वो हर कलर की उनको छोटी छोटी लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। कौन देते थे? बदलू काका देते थे। किसको देते थे? लेखक को, जो भी कौन है, काम करा। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही बदलू को हर गर्मियों की छुट्टी में वहाँ जाने का चाव रहता था। और इसमें एक बात और आई बेटा, क्या है कि जो बदलू जो था, वो वहाँ के बच्चे, उस गांव के बच्चे सभी उनको क्या कहते थे? बदलू काका कहते थे। और ये जो लेखक थे, ये अपने मामा के जाते थे, तो उनको उस बदलू को क्या कहना था? मामा या नाना कहना था। लेकिन वो और बच्चों की देखा देखी भी इस बदलू को क्या कहते थे? बदलू काका भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि वहाँ के सारे बच्चे उसको बदलू काका कहकर बुलाते थे। तो बदलू अपने मामा के गांव चाव से इसीलिए जाता था कि वो बदलू उसको लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि लेखक जब बड़े हो गए, तो बहुत सारा गैप आ गया। बहुत दिनों बाद लेखक अपने मामा के गांव गए। इसका रीजन क्या था कि बदलू जो कामतानाथ जो लेखक थे, उनके पापा का कहीं ट्रांसफर हो गया था और वो दूर चले गए थे। तो बहुत दिनों बाद लेखक जो है उसी गांव में वापस आते हैं, तो उनको वहां पर जो है पूरी तरह से माहौल बदला हुआ नजर आता है। ना तो वहां पर वो बदलू काका है, ना वहां पर वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ वो अपने मामा के यहाँ आते हैं किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि वो उसको याद ही नहीं रहता कि मैं यहाँ जब आता था तो मुझे गोलियाँ मिलती थी, बदलू नाम का कोई मनिहार था, उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। फिर उसको वो अपने वहाँ गाँव में घूमता है, तो वो देखता है वहाँ पर जो स्त्रियाँ थी, वो सभी कांच की चूड़ियाँ पहने हुए थी। तो बदलू को थोड़ा थोड़ा याद आता है कि ये सभी, ये कांच की चूड़ियों को देखकर उसको ये याद आता है, जो बदलू का कहते हैं उसको कांच की चूड़ियों से बहुत ज़्यादा नफरत होती थी। फिर उसको याद आता है हाँ, यहाँ पर कोई बदलू काका था। तो फिर वो वहाँ के लोगों से पूछता है कि वो बदलू कहाँ गया? ये तो सबने बताया कि वहाँ रहता है, अभी उसी घर में रहता है। तो बदलू उनसे मिलने के लिए जब जाता है, तो वहाँ पर उसको बदलू काका नहीं दिखाई देते। वो चूड़ी बनाते हुए जैसे पहले उनको दिखता था, एक मचिया होती थी वहाँ बैठा था, साइड में बट्टी जली होती थी, हुक्का रखा होता था। उसको वहाँ पर जाने पर उसको बिल्कुल भी वो माहौल वहाँ पर जो है नज़र नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बदलू काका उनको एक चारपाई पे बैठे हुए दिखते हैं। वो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, उनके हाथ पे और माथे पर नसें उभर आई है। तो वो बहुत ही उदास से बैठे थे। तो बदलू काका उससे वो बोलते हैं, नमस्कार करते हैं, तो बदलू काका उसको पहचानते नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि आप मेरे को पहचाने नहीं? तो वो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं पहचाना। फिर जैसे जैसे वो बोलता गया, तो बदलू काका को याद आया, उसने कहा हाँ लला। तो जब ये छोटे थे, जब लेखक उनके पास जाते थे, तो बदलू काका उनको लला कहकर बुलाते थे। फिर जब उन्होंने लला कहा उनको, तो लेखक को भी प्रसन्नता हुई, हाँ बदलू काका मुझे पहचान गए। फिर उनकी दोनों की आपस में बातें होती है, भाई आपने चूड़ी, लाख की चूड़ी बनाने का कारोबार क्यों बंद हो गया? तो बदलू काका ने बताया कि मशीनी युग आ गया। मशीनी युग का मतलब है कि एक तो कांच आ गया था, हमारे कांच प्रचलित हो गया था, कांच की चूड़ियाँ बनने लगी, कांच की चूड़ियाँ भी मशीन से बनने लगी। तो इस सिचुएशन को बदलू काका ने मशीनी युग का नाम दिया कि मशीनी युग के आ जाने से जो है आपका जो है मेरा कारोबार जो था लाख की चूड़ी बनाने का, वो बंद हो गया। तो जब बचपन में लेखक जाता था बदलू काका के पास, तो उसको मलाई खिलाता था, आम खिलाता था, इस तरह बहुत भी उसके
क्या भगत बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन अब जो है बदलू काका के पास पशु भी नहीं है, वो कहाँ से तो मलाई खिलाए। तो ऐसे ही बात होती रही, तो बदलू काका ने अपनी बेटी को आवाज दी कि रज्जो भाई लला के लिए आम लेकर आ। तो वो आम लेकर आती है, तो लेखक उसको देखते हैं तो उस लड़की के हाथ में, जो बदलू काका की बेटी थी, उसके हाथ में एक लाख की चूड़ियां देखते हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक के हाथ में तो लाख की चूड़ियां दिखाई दी, लेकिन बदलू काका ने उसकी चेहरे को देखकर पहचान लिया। तो उन्होंने उन चूड़ियों के बारे में बताया कि यही जो मेरी बेटी ने चूड़ियां पहन रखे लाख की, यही मैंने लास्ट जोड़ा बनाया था, और ये मैंने एक साहूकार की बेटी के विवाह के लिए बनाया था, और उसने मैंने जितनी कीमत मांगी थी उसने मुझे नहीं दी, इसलिए मैं अपने चूड़ियों के जोड़े को वापस ले आया था, ये मेरी बेटी ने पहन ली थी। इस तरह अपनी व्यथा उन्होंने लेखक के सामने प्रकट करते हुए अपनी सारी बातें उनको बताई। ये इस चैप्टर में था बेटा कि मशीनी युग से किस तरह से उनके कारोबार पर असर पड़ा, किस तरह से बदलू काका ने कठिनाइयां सहन की, ये सब इस चैप्टर में। ठीक है बेटा, चलिए अब हम नेक्स्ट आप इसकी बुक की रीडिंग लगाते हैं। मैं बुक की रीडिंग लगाऊंगी और आप पढ़ते हुए जो मैं पढ़ूंगी और आपको समझाती हुई रहूंगी। देखिए बेटा, चैप्टर है लाख की चूड़ी। सारे गांव में बंधु मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे कौन है बेटा, यहाँ पर लेखक है। ठीक है, मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। मोह लेती मतलब वो इतनी सुंदर लगती थी वो लाख की गोलियां कि सभी बच्चे उन गोलियों की तरफ जो है आकर्षित हो जाते थे। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर बदलू काका चूड़ियां बनाते थे वहाँ पे माहौल बताया वहाँ पर क्या था। बगल में एक बट्टी दहकती रहती जिसमें लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाद के सामने पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में चार छह विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरिया रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। इसमें क्या होता था बेटा, जैसे चूड़ियाँ चूड़ी बनाने का एक सांचा होता है, उसमें पहले क्या होता था लाख को गर्म करके उन सांचों में डाला जाता था, फिर वो उन सांचों में से निकाल के जब वो थोड़ी थोड़ी गीली होती थी, तो आपने देखा होगा गाँव में वो होता है उखल मुसल जो होता है, जो मुसल होता है उसकी तरह छोटी छोटी लकड़ियों का एक वो होता था, उसमें उनको डाल देते, यानी कि एक तरफ से वो मोटा ऐसे पतला होता था, जिस भी साइज की चूड़ी बनानी होती थी उस लाख को वहीं पे सेट कर देते थे, तो उस साइज की वो चूड़ियाँ बन जाती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देखकर वह अपने मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिया पर बैठकर किया करता। तो मछिया क्या होते हैं बेटा, खाट को जैसे खाट होती है ना, वो तो थोड़ी लंबी होती है, मछिया होते हैं चोर जिसको आप गाँव में पीढ़ा बोलते हो ना, उसको बोलते हैं मछिया, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका भुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मछिया मंगा देता, जैसे ही लेखक उसके पास जाता तो वो उनकी उसको चूड़ी बनाते हुए देखता था, तो उसके बैठने के लिए भी वो उसके लिए क्या मंगवा देते थे, मछिया मंगवा देते थे। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह चार छह जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ ही क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। बदलू मनिहार था, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक व्यवसाय था। पैतृक मैंने अभी आपको बताया, जो पापा से जो हमें व्यवसाय मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैतृक व्यवसाय। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी, आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से
बेचता नहीं था, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय आया बेटा एक वर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तु लेना। पहले क्या होता था, अब तो क्या होता है, हम पैसे देते हैं चीज खरीदते हैं। फिर पहले के जमाने में क्या होता था, मान लो मेरे पास गेहूं होता है, आपके पास ज्यादा बाजरा होता है, तो मैं आपको गेहूं दे के बाजरा ले लूंगी, मेरे पास बाजरा भी हो जाएगा, गेहूं भी हो जाएगा। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदना, यही क्या होता है बेटा, वस्तु विनिमय। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। अब क्या था, वहां पर पहले किसान थे, बहुत ज्यादा सभी खेती करते थे, तो उससे चूड़ियां लेने के लिए लोग उसको अनाज दे जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। इस लाइन का क्या मतलब है बेटा, जैसे किसी के घर में गाँव में शादी होती थी तो वहां पर स्पेशल चूड़ियां जाती थी, जैसे दुल्हन के लिए इस तरह से, तो क्या होता था उस समय वो उन चूड़ियों की कीमत ज्यादा मांगता था। वैसे तो साधारण तौर पर जो उसको कोई कुछ दे देता था उसी से वो उनको चूड़ियां भी दे देता था। जीवन भर चाहे उसे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने में लोगे लग गए थे। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। और क्या होता था, जिनके घर में शादी होती थी वो ये बदलू बाबा वहाँ पर चूड़ियाँ भेजते थे, और उसके बदले जो इनकी पत्नी थी उसको कपड़े मिलते, इसको भी पगड़ी मिलती थी, अनाज देके जाते, जो मिठाइयाँ बनती वो देके जाते, और शगुन के तौर पर जो पैसे मिलते वो अलग होते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिड़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से। अब बदलू बाबा को किससे चिड़ होती थी, कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह उसे अंदर ही अंदर कुड़ उठता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। यानी कि उसको किसी भी स्त्री के हाथ में जब कांच की चूड़ियां दिखती तो उसको एक तो गुस्सा आता, जब उसको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता तो वो उस लेडी से, उस स्त्री से कुछ कह भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। अब यहाँ पर जो लेखक जो है वो शहर के लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ की स्त्रियां होती है उनको तहजीब नहीं होती, वह अपने मर्द का हाथ पकड़कर घूमती है, और वो कांच की चूड़ियां इसलिए पहनती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाजुक होती है। अगर वो लाख की चूड़ियां पहनेगी, यहाँ पर यह मतलब है कि लाख में जो है ना वजन होता है, अगर शहर की औरतें अगर लाख की चूड़ियां पहनेंगी तो उनको वजन रहेगा और हो सकता है उसके हाथों में मोच आ जाए। तो ये क्या है, स्त्री जो थी, शहरी जो स्त्री थी उन पर इसने बदलू काका ने व्यंग्य किया है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा के लिए मेरी मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा होता है अधिकतर, हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैंने अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, विरले होता है एक आध, विरले की हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां
हाथ की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं, अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन। अब लेखक ने यहाँ पर अपना नाम क्या बताया है? जनार्दन बताया है। काका आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। यहाँ पर इस लाइन का ये मतलब है बेटा, जब बदलू को वो याद नहीं आ रहा था, लेखक ने उनको बताया कि मैं आपके यहाँ से गोलियां लेकर जाता था, फिर भी उनको याद नहीं आया, तो उन्होंने ये कहा कि वो अपने पिछला मतलब कि रिवर्स कर रहे थे अपनी लाइफ को, कि कौन हो सकता है जो मेरे से गोलियां लेकर, अपनी स्मृति पटल अपनी याददाश्त को वापिस करके वो याद कर रहा था कि ये कौन है। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। क्यों नजर नहीं आई थी? क्योंकि बदलू काका का लाख की चूड़ी बनाने का कारोबार जो है बिल्कुल बंद हो गया था। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो, गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा फिर बोला, मशीन युग है न लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहां संभव है। यहाँ पर बेटा क्या है, जो लाख की चूड़ी जो बदलू काका बनाते थे वो अपने हाथ से बनाते थे, और जो आपने देखा होगा जो हैंडमेड चीज जो होती है, जो हाथ से बनाई हुई चीजें जो होती है, वो थोड़ी सी मतलब कि उनमें सुंदरता की थोड़ी सी कमी पाई जाती है। तो ऐसे ही जब बदलू काका की जो लाख की चूड़ियां थी उनमें थोड़ी सी सुंदरता की कमी थी, और लाख में वजन भी होता है, वो उसकी कीमत भी ज्यादा होती है, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके कारण जो है लाख का प्रचलन जो है अब कम हो गया था। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली और बोला, यानी कि जब बदलू काका बहुत देर तक खांसते रहे तो बदलू काका ने लेखक की तरफ देखा और लेखक ने ये महसूस कर लिया कि इसको ऐसा लग रहा हो कि मुझे दमा है, तो उसने इस बात को महसूस किया तो बदलू ने लेखक से कहा, बेटा ये जो मेरे को जो खांसी आप देख रहे हो ये मेरे को दमा वगैरह की कोई बीमारी नहीं है, ये फसली खांसी है। फसली खांसी क्या होता है? जब फसल कटती है तो बहुत बारीक बारीक मिट्टी उड़ती है और वो हमें हमारे मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उससे खांसी उठती है, तो उसको हम बोलते हैं फसली खांसी। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा होता है बेटा दुख। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर एक लाइन आई है बेटा, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। यहाँ पर हाथ काटने का मतलब सीधे हाथ काटना नहीं है बेटा, यानी कि रोजगार छीन जाना। हाथ काट देना मतलब अपना जो उनका रोजगार था वो मशीनों से काम होने लगा, तो उनके जो हाथ से जो काम करते थे उनका रोजगार छिन गया, इसलिए यहाँ पर ये लाइन आई है कितने ही हाथ कट गए। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, मैंने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, मुझे आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो मैंने इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका, मैंने पूछा।
गाय कहाँ है लगा, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो सिंदूरी वाले। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली क्या होती है बेटा, इस तरह से हाथों पर रख कर देना, ये अंजुली होती है। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, मतलब सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आपकी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब आपका बेटा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, इसकी रीडिंग पूरी लग गई है, आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने इसकी स्टोरी आपको पहले बताई। अब हम अपनी क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।